पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, बिहार के पूर्व डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी और आप सभी मीडिया के साथी, आप सब श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को जानते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 60 वर्षों तक, और अंतिम सेवानिवृत्त के कगार पर थे तो 5 महीना बचा हुआ था, तो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। गुप्तेश्वर पांडे जी लंबे समय तक, 60 वर्षों तक, जैसा बताए, पुलिस सेवा में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और जो सबसे बड़ी खूबी रही है गुप्तेश्वर पांडे जी की, कि गुप्तेश्वर पांडे जी जहाँ भी 15 वर्षों के शासन काल में जहाँ भी सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, वहाँ गुप्तेश्वर पांडे जी ने जाके सांप्रदायिक सद्भाव बनाया और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम किया। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं, और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई, आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। हम सब लोग इनका तहे दिल से, हृदय से जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं और इनको भरोसा दिलाते हैं कि आपके जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आपके जैसे व्यक्तित्व अगर जनता दल यू परिवार को मजबूत करने में, ताकतवर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। ज्वाइनिंग तो कराए, बोले ना कि मुख्यमंत्री ने सदस्यता दिला दिया, अब यहाँ दोबारा करवा दें। अच्छा, पट्टा दे दीजिए, पट्टा दे सकते हैं, पट्टा तो पहन सकते हैं। पट्टा का कार्यक्रम हम कैंसिल कर देंगे, तो आप लोग आपस में भैया बोल दें। हाँ, आप बोलिए भैया। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये प्रेस से पहली मुलाकात है जेडीयू कार्यालय में। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने गुप्तेश्वर पांडे जी को, जो डीजीपी बिहार थे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने में नीतीश जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और आज ये यहाँ पर आए। हम सब लोग, पार्टी के पूरे जदयू परिवार, उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं। जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने पुलिस महकमा को चलाया, उसी प्रभावशाली ढंग से नीतीश जी के कार्यक्रम और उनके विचार को भी जनता के बीच आने वाले चुनाव में लेके जाएंगे। हम सब उनका स्वागत करते हैं और माननीय नेता को और सभी जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी संगठन आरसीपी सिंह जी,
माननीय लोकसभा में पार्टी के नेता ललन सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि चुनाव के इस वक्त में मुझे पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पद देने का उन्होंने निर्णय किया। यह एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसका हम एक कार्यकर्ता के रूप में नीतीश जी का तो अपने खुद ही संपूर्ण व्यक्तित्व है, चाहे वो सरकार हो चाहे संगठन हो, हर पल पर उनकी पैनी नजर रहती है। लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम प्रयास करेंगे जो भी हमारा अनुभव है संगठन का उसमें पार्टी में जोड़ने के लिए। एक बार पुनः नीतीश जी को हम अपने तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। माननीय गुप्तेश्वर पांडे जी, बुलाइए। हमारे अग्रज और जनता दल यू के नेता लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री ललन बाबू, जदयू के मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी, आज 4 बजे शाम को माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन किया कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था चाहे किसी स्तर का, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत ये मेरा फैसला नहीं है, मैं दल का अनुशासित सिपाही हूं। दल का जो आदेश होगा, हमारे नेता लोगों का जो आदेश होगा उसके आदेश के अनुसार, ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता, ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। अभी तक तो इन्होंने कोई बायोडाटा दिया नहीं है। अब पार्टी में तो हम लोग बायोडाटा ना मांगे, तो इसलिए कोई बायोडाटा तो अभी चुनाव का कहां सवाल है, अभी चुनाव का कोई सवाल तो है नहीं। हम लोग को पता नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, वो भारतीय जनता पार्टी